वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। दो बार हम रिवीजन करा चुके हैं, यह तीसरी बार है। क्लास फाइव में साइंस में आपको जो है चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर सेवन तक आएगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर सेवन तक का जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका तैयारी ठीक से कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए हम लोग जो है रिवीजन फिर से करते हैं। पहले चैप्टर वन लेते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें देखिए पेज नंबर 8 देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, एम्ब्रायो। सेकेंड देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सीड्स इज डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, कॉटन। ओके, थर्ड देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके, पेज नंबर 10 देखो, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, वी कैन ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम कैरोट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग ए प्लांट फ्रॉम इट्स। इसका ऑप्शन क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो। इसका सेकेंड देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम स्टीम कटिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए, रोज, ठीक है। इसका थर्ड देखो, इन द ब्रायोफिलियम प्लांट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द ब्लैंक। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, लिप्स। ओके, पेज नंबर देखो 14, वर्कशीट ए का जो है सेकेंड देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रबी क्रॉप। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, व्हीट। थर्ड देखो, सेकेंड था, थर्ड देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, फर्न। इसका जो है फोर्थ देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स टू लूजन सॉइल। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, प्लफिंग। ओके, चलिए तो इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है और कुछ बताएंगे। ओके, थैंक यू।